ईसाई लोग तीन खुदा की इबादत करते हैं, नंबर एक अल्लाह की, नंबर दो ईसा अलैहिस्सलाम की और नंबर तीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। ईसाई लोग अल्लाह को रब तो मानते हैं लेकिन शिर्क करते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के रसूल और नबी थे उनको अल्लाह का बेटा कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं करना चाहता हूँ, ईसाई लोग मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, ठीक है, तो अब अगर ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए तो वो अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ बिल्लाह, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम तो उनसे भी बड़े हुए क्योंकि वो तो बिना माँ बाप के पैदा हुए हैं। नहीं, बल्कि यह सब अल्लाह की कुदरत है। मेरा अल्लाह तो वो है जिसने बिना माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिसने बिना माँ के हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिसने बिना बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और जिसने माँ बाप को मिलाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और बाकी के इंसानों को भी इसी तरह पैदा फरमाया। और अल्लाह ना तो किसी का बेटा है और ना ही अल्लाह का कोई बेटा है, वो अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।